उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नगर निगम के कर्मचारी की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से मृतक के परिवार के लिए 20 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांग की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के विधायक मनीषा आशीजा ने मामले को शांत करवाया। ठप कर दी जाएगी अगर ये व्यवस्था हमारी जो है इस समय तत्काल प्रभाव से हमारी जो समस्या का समाधान नहीं हुआ, 20 लाख का उसको तत्काल चेक मिलना चाहिए और उसको इस सरकारी नौकरी स्थायी चाहिए। वाहन चालक संघ यहाँ पर धरना दे रहा है और साथ में हमारे संगठन के पदाधिकारी योगेश सरन जी हैं और भी उनके जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष हैं। मेन हमारा उद्देश्य है, कल रात को एक ड्राइवर है विशाल दीक्षित, जो उसको रात में टैंकर लेकर भेजा गया, उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हो गई कि वो टैंकर के नीचे दब के एक्सपायर हो गया। तो अधिकारियों ने जब कोई सुध नहीं ली तो अब हम लोग यहाँ बैठे हुए, जब तक उसको मुआवजा नहीं मिलेगा 20 लाख उसकी पत्नी को, उसकी नौकरी सरकारी, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है।